सुबह सुबह के टाइम पे नौखाल मार्केट में भीड़ बहुत कम है और हम जा रहे हैं मरड़ा गांव। मेरे को छोटू भाई मिल गया था, ये देखिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अभी सुबह के 7 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं चवट्टखाल मार्केट, वहां से हम लाएंगे सामान माल्ड गांव के लिए। आज लगातार तीसरा दिन है माल्ड गांव में, माल्ड बड़ा गांव, वहां पे हम काम कर रहे हैं। कुछ काम हमने वहां पे कर दिया है, मतलब लाइट हमने वहां पे दे दी है, सारी फिटिंग लाइट की हो चुकी है। थोड़ा बहुत काम वहां पे पानी का बचा हुआ है और कुछ और काम भी है वहां पे, तो उसको निपटा के हम वहां से तब हम दूसरी जगह जाएंगे काम पे। तो आज के दिन पे देखते हैं क्या काम होता है। और कल हम माल्ड गांव से काम से आने के बाद 5 बजे 5:30 बजे हम थापला गांव में गए थे, वहां भी हमारा काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हमने वहां पे देखा काम। उसके बाद हम आ गए थे ढूंगा गांव में, जो उनकी टंकी है छत में उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, तो वहां पे हमको रात हो गई थी। और कल का दिन मेरा बहुत ही थकान भरा दिन था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा काम भी किया कल के दिन पे। सुबह सुबह के टाइम पे नौखाल मार्केट में भीड़ बहुत कम है। 8:12 मौसम देखिए, यह है नौखाल मार्केट। तो अभी सुबह के 9:15 बज चुके हैं और मैं चवट्टखाल से आ चुका हूँ। अभी मैं पालीखाल में रुका हुआ हूँ और हम वहाँ चूना लेने के लिए गए थे, चूना, हैंगर और एक रोड थी पर्दे लगाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं आज माल्ड गांव में, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है आज और कल के लिए। यह है माल्ड गांव की प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे एक कन्या विद्यालय है जो कि अब बंद हो चुका है। और ये पालीखाल है, पोखरखाल, यहाँ ऊपर लगता है मेला, आसमान कहीं पर खाली है और इस साइड से तो भयंकर हो रखा है मौसम और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लगता है कि आज बारिश हो सकती है। तो मैं ला रहा हूँ चूना और इससे मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार हाथ चेंज करने पड़ रहे हैं। और आज चवट्टखाल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लोग अब जाने लगे हैं घरों से, जो गर्मियों की छुट्टियों में घर आ रखे थे उनकी अब जाने की तैयारी है, अब जहाँ पर वो जॉब करते हैं, जहाँ पर उनका घर है। और नौखाल मार्केट बिल्कुल खाली था, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी नौखाल मार्केट में जितनी ज़्यादा भीड़ चवट्टखाल मार्केट में थी। और मैंने समझा पहले कि पहाड़ों पे ये धुंध लगी हुई है, लेकिन ये धुंध नहीं है, कहीं कहीं पे पहाड़ों पे भयंकर आग लगी हुई है। जो तलाई साइड के गाँव है, देवराड़ी हो गया पुखड़ा साइड को, उस साइड को जंगलों में आग लगी हुई है और ऊपर साइड को बहुत भयंकर मौसम हो रखा है दमदेवल साइड को। और सबसे ज़्यादा बारिश होती है ऊपर के साइड को, राठ क्षेत्र, राठ बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, ये किमगढ़ी साइड को, पर थैलेसैंड साइड को बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी बारिश हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लगता नहीं है मौसम को देख के क्योंकि आसमान खाली है। तो शाम के 6:30 बजने वाले हैं और मैं निकल चुका हूँ माल्ड गाँव से घर के लिए। यहाँ पर हम काम कर रहे थे ठीक इस वाले घर में जो हल्का सा दिखाई दे रहा है, और आज भी मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का क्योंकि काम पहले है और YouTube बाद में। तो लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोगों से बात करो, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है, मैं यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आ रखा हूँ बल्कि काम करने के लिए आ रखा हूँ और अपना काम पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जब हमारा काम होता है। तो काम से थोड़ा सा फ्री होता हूँ तब मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैं जा रहा हूँ माल्ड के धारे के रास्ते से, माल्ड का पंदिर यहाँ सामने है और यहाँ से जाऊँगा मैं सीधा रोड में और रोड बाई रोड कुंडिल। तो ये मेरे पीछे है माल्ड गांव, जहाँ पे अभी लोग
अपने धारे में रखे हैं और कुछ लोग घूमने के लिए सड़क पे निकल रखे हैं टहलने के लिए, और हम जा रहे हैं छुट्टी करके अपने घर के लिए। तो चलते हैं कुंडिल, और कुंडिल यहाँ से ठीक सामने है, होगा 500 मीटर दूर, और कुंडिल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं आ चुका हूँ रोड में, और सामने खेड़गांव, और शाम का आप मौसम देखिए कितना सुहाना हो रखा है, ये देखिए आप। लेकिन उमस हो रही है कुछ दिनों से भयंकर वाली, और मेरी कुछ वीडियो में कमेंट आ रखे थे कि आप स्थानीय लोगों से बात कराओ, मतलब जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहाँ के लोगों से बात कराओ, कि मुझे अपना काम करना पड़ता है और काम के साथ मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं वहाँ के लोगों से बात कर सकूँ या फिर उनको अपनी वीडियो में ले सकूँ। बहुत कम टाइम मिलता है, और जब टाइम मिलता है तो मैं अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करता हूँ, थोड़ा बहुत उस गाँव को दिखाता हूँ। बाकी जब भी टाइम मिलेगा मैं अवश्य आपकी बात वहाँ के लोगों से करवाऊँगा, जितने भी लोग मेरे को मिलेंगे। और हम जा रहे हैं मरड़ा गांव, मेरे को छोटू भाई मिल गया था, ये देखिए आप, ये हमारे प्रसिद्ध गायक हैं बशूर गांव के। और हम जा रहे हैं मरड़ा गांव शाम के टाइम पे, मैं पहले कुंडिल जा रहा था और छोटू भाई ने कहा चल मेरे साथ घूम के आते हैं वहां से, और अभी हम मरड़ के धारे में जा रहे हैं। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है शाम का, और सनसेट कितना जा रहा है। हाँ, और यहाँ नीचे है नौला गांव अभियान, ये हमारे छोटू भाई जिनको आप शीशे में देख पा रहे हैं, ये रामायण में बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं अपने, इनको जिस भी किरदार में डालो ये उसी में घुल मिल जाते हैं। मरड़ा 2 किलोमीटर दूर, ये है मरड़ा गांव, और छोटू भाई जा रखा है ऊपर सामान देने के लिए, और सनसेट होने वाला है कुछ देर बाद। ये रोड गई है कांडी के लिए, दसमणी, मालकोट, दलवाणा, संगनाकोटी, रटखाल, दंड देवी, नवाखाल, और यहाँ ऊपर है नाई गांव, ठीक यहाँ ऊपर।